मेरे फादर इस शादी को लेकर, चूंकि सेम कास्ट मीन्स कम्युनिटी की शादी थी, मेरे फादर बिल्कुल एग्री नहीं है और सेम कास्ट कंटिन्यूसली में शादी तो इसलिए एग्री नहीं है, मैंने इसलिए एग्री नहीं है तो इंटर कम्युनिटी कास्ट में एग्री ना होते हुए सुना है यार, सेम कास्ट में तो नहीं सुना। 22 तारीख को तो गुमशुदगी हो चुकी है, आपको तो पता ही नहीं है कि पिटिशनर नंबर वन गई कब है, पूरी स्टोरी बना दी। अभी आप तो देख चुके हो कि दो केसेस में आपके अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी हैं और दोनों में उनके खिलाफ पुलिस की रिपोर्ट थी कि इन्होंने झूठ बोला है। जी सर, शादी कब की है सर? 14/4/2022 14/4/2022 अच्छी बात है सर। लॉर्डशिप अननेसेसरी कैसे शादी हुई है सर आपकी? सब तो फिर थी वो जरा फोटोग्राफ में बताइए। वो लॉर्डशिप फोटोग्राफ लेक्चर हाँ बताएं बताएं सर, उसी से बताएं। P3 पेज नंबर 17 तो इसमें तो आपको हमको पवित्र अग्नि वो तो एक छोटे से कटोरे में दिख रही है सर। लॉर्डशिप है मंदिर में किया था सप्तपती विवाह के। हाँ, तो इस पवित्र अग्नि के चारों तरफ तो आपने वो फेरे तो नहीं लिए हैं राइट? और वरमाला या सिंदूर भरने से शादी नहीं होती है। 18 नंबर में जब आप फेरे ले रहे हैं तो आप पवित्र अग्नि दिखी नहीं रही है सर। वो लॉर्डशिप साइड में रख दी जाती है क्योंकि बीच में मंदिर था, मंदिर और इसके बीच में रख के फेरे लिए गए थे। मेरे भाई तो फिर सोच समझ के फोटोग्राफ फाइल करने चाहिए ना, हमने थोड़ा मना किया है कि आप वाली फोटो नहीं फाइल करेंगे। जो पेज नंबर 17 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने 14/4/2022 को समस्त वैवाहिक हिंदू से वो कर लिया, अब क्या हो गया सर? लॉर्डशिप जो फादर है रेस्पोंडेंट नंबर 4, मेरे फादर इस शादी को लेकर, चूंकि सेम कास्ट मीन्स कम्युनिटी की शादी थी, मेरे फादर बिल्कुल एग्री नहीं है और सेम कास्ट में शादी तो इसलिए एग्री नहीं है, इसलिए एग्री नहीं है, मैंने तो इंटर कास्ट में एग्री ना होते हुए सुना है, सेम कास्ट में तो नहीं सुना। उसके बाद भी नहीं है क्योंकि उनको पसंद ही नहीं था वो। अच्छा, उनको पसंद नहीं था, ऐसा बोलो ना। उनको पसंद नहीं था, वो कहीं और शादी करना चाहते थे। अच्छी बात है। और वो लगातार अच्छा, वो कहाँ करना चाहते थे? वो अलग किसी दूसरे परिवार में। ये कब धमकियाँ दी गई सर? लॉर्डशिप उसके संबंध में SHO सेवड़ा, तारीख बता दो मेरे को बस सर। ना 19/9 पढ़ के बता दो। 19/9 को धमकी दी गई राइट? 17 को मेरे द्वारा आवेदन दिया गया था जो कि बाय पोस्ट दिया था। मेरे भाई आप आवेदन में जो आपने पुलिस ने तो आवेदन पे ही कार्रवाई करनी ना। जी जी जी। और हमने भी तो आवेदन पे ही कार्रवाई करने का आदेश देना है, तो आवेदन में कब धमकी दी गई बस उतना बता दो। अभी निरंकारी जी को बोलते हैं क्या? शादी के तुरंत बाद से ही आप आई विटनेस ना निरंकारी जी। मैं शादी मतलब भाई साहब प्लीज, अपन जब कोर्ट कचहरी में या पुलिस कार्रवाई चाहते हैं तो अब आप ये बताइए, अगर कोई फोन कर दे सर पूरे ग्वालियर में एक अपराध हुआ है आप ढूंढ लो, इस इंफॉर्मेशन को या ये बताया जाए कि सर फलानी जगह आपके ऊपर गोलियां चलने की आवाज आ रही है, और इस इंफॉर्मेशन को या दोनों इंफॉर्मेशन को FIR ट्रीट कर सकते हैं या क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफ सम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहेंगे। FIR तो नहीं मान सकते नहीं, ना सर नहीं। तो आपने कहा सर मुझे धमकी दी गई, वो कौन सी धमकी के ऊपर कार्रवाई करेगा भाई? लॉर्डशिप डेट पेज नंबर 4 ऑफ माय पिटीशन से नहीं होगी सर। आपने इसमें मैंने लिखा हुआ है लॉर्डशिप 22/3 को इन्होंने मेरे भाई आप ये बताइए कि मैंने इस पिटीशन में क्या कहना है कि पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना दी गई उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की, तो पुलिस को क्या सूचना दी वो बता दो, वही तो पूछ रहा हूँ। इसी संबंध में दी थी कि मेरे फादर पढ़ दो। मेरे भाई उसमें क्या कर रहे हो, अननेसेसरी अपन उलझ रहे हैं, उसमें से पढ़ दो। प्रार्थनी के सोनू बघेल के साथ विवाह करने से प्रार्थनी के पिता हरदयाल बघेल एवं अन्य परिवारजनों ने विरोध किया तथा प्रार्थनी एवं उसके पति को जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि प्रार्थनी के पिता हरदयाल बघेल व अन्य परिवारजन प्रार्थनी का विवाह उसकी मर्जी के
किसी अन्य व्यक्ति से करना चाहते थे। हाँ भाई मेरे, आप तो तारीख बताओ किस तारीख को आपके साथ आपराधिक कृत्य हुआ है, क्योंकि धमकी देना, गाली गलौज करना भी मैं खाली अपने घर से सामान लेके निकल आई थी कपड़े। वकील साहब प्लीज, आप पूरा घर का सामान ले आए, खाली हाथ आए, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें आपकी निजी स्वतंत्रता की चिंता है। आपके खिलाफ अगर चोरी का कोई मुकदमा हो तो हमको समझ में आता है कि साहब आप अपना सामान लेके आए थे कि अपने किसी और का लेके आ गए। ऐसा कोई डेट नहीं है, पर वो उन्होंने तो भाई धमकी दी थी। तो अरे तो भाई धमकी दी थी तो पुलिस वालों को क्या बताओगे आप उसमें? लॉर्डशिप एक मेरी गुमशुदगी भी दर्ज कराई है। उन्होंने दर्ज करा दी है ना, इसका मतलब है कि पुलिस इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है लॉर्डशिप, वो चीज है। अब आप उससे बचना चाहते हो तो कहते हैं कि हमको धमकी दी गई, वो आपको धमकी दे सकते हैं, पुलिस के वो गुमशदगी की इंक्वायरी में आप आपकी बरामदगी नहीं करा सकते, आप कहिए कहना। डॉक्टर मैं मेजर हूँ, अपनी मर्जी से जाना। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ प्लीज। अब आप लोग क्या है कि सीधे सीधे ना चल के उधर उधर जाते हो और फिर कहते हो कि साहब आप तो हमारी बात मानो, हम आपसे इतना सा पूछ रहे हैं कि अगर कोई अपराध होता है और अगर उस अपराध की ये सूचना आती है कि साहब मैं जा रहा था और जैसे सपोज आप हैं और आपको कहीं गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है और आप एक जागरूक नागरिक होते हुए साथ पास के थाने में खबर करते हैं साहब मुझे वहां पे गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दे रही, जरा देखिए क्या इसको FIR माना जा सकता है या एक क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन है ऑफ कमीशन ऑफ कम्युनिकेबल ऑफेंस। अब आपने कहा सर मेरे साथ धमकी दी गई, कब दे दी भाई बता दो, कितना छोटा सा प्रश्न है, 15 मिनट से अपन उलझ रहे हैं बिना मतलब के। शादी के बाद से लॉर्डशिप, शादी के बाद पुलिस वाला क्या करेगा लॉर्डशिप? अभी भी थ्रेट है, कहीं ऑनर क्लिंग नहीं हो जाए, मैं कहीं पकड़ लिया भाई साहब प्लीज, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई साहब प्लीज। आप हमको उस वैसा मुकदमा बना के लेके आइए, हमारे ऊपर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत डालिए, वी आर सपोज टू एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरमेंट्स। या आपने लिखा है कि साहब मुझे फलानी तारीख को इतने बजे धमकी दी गई, कुछ नहीं है, मैं क्या करूं उसके लिए? आप घर से कब गई थी सर? 22/3/2022। फिर आप कहाँ रही थी? अपने हस्बैंड के साथ शादी करने के बाद उसी के साथ ही रहती। और नहीं, शादी से पहले कहाँ रही थी? घर पे। किसके? फादर। अभी आप कहेंगे आप घर से बाहर, आप घर से अपने घर से 22/3 को चली गई। 22/3 को जाने के बाद मैं रेस्पोंडेंट नंबर वो पिटिशनर नंबर 2 के साथ रह रही थी, उनके घर में रह रही थी। हाँ किराए के घर है, अलग से किराए का कमरा लेके बाहर रह रहे थे हम दोनों, क्योंकि घर पे वो लोग आ गए थे जिस दिन मैं अपना सामान लेके गई थी, तो मेरे फादर उसके घर पर पहुंच गए थे, तो मैं अलग से एक रूम किराए पे लिया था, वहाँ रह रही थी। क्या बात है, पिटिशन में कुछ नहीं, मैं ये सब लिखा दूं सेंगर साहब, सिसोदिया जी सॉरी, अगर मैं ये सब लिखा दिया और इसका वेरिफिकेशन मांग लिया और अगर ये सब झूठ निकला तो आप क्या कंटेंप्ट के लिए तैयार हैं? फिर 22/3 को तो गुमशुदगी हो चुकी है, आपको तो पता ही नहीं है कि पिटिशनर नंबर 1 गई कब है और आपने पूरी स्टोरी बना दी। As per the client's instructions. Sorry, अजय प्रताप सिंह जी, As per the client, जो आपके पिटीशन में क्यों नहीं है, पिटीशन भी क्यों नहीं है? अभी आप तो देख चुके हो कि दो केसेस में आपके अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी हैं और दोनों में उनके खिलाफ पुलिस की रिपोर्ट थी कि इन्होंने झूठ बोला है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स थी, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स थी। आप लोग नहीं सुधर रहे हो सर, क्या फर्क पड़ रहा मुझे नहीं समझ में आया, क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? मतलब उन केसेस में तो आप लोगों के साथी अधिवक्ताओं ने फर्जी दस्तखत करके करके पिटीशन फाइल की हैं, वो पूरी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की रिपोर्टें आई हैं, कहां ले जा रहे हो बार को भाई? आर कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग देम एंड अकॉर्डिंगली दे हैव मेड अ रिप्रेजेंटेशन टू कंप्लेंट टू सो एंड सो फॉर प्रोटेक्शन बट नो एक्शन हैज बीन टेकन। For contra, the petition is vehemently opposed by the counsel for the state. It is submitted that it is clear from the petition itself that a gum insan report has been lodged by the father of the petitioner number 1 on 22/3/2022. Whereas according to the petitioners, they performed marriage on 14/4/2022. It is also not clear from the petition that on what date the petitioner number 1 had left her house and where she stayed
prior to her marriage. It is further submitted that once a Gominsan report has already been lodged, then the petitioner must cooperate with the investigation. And ultimately, if it is found that they have performed marriage out of her own volition and they are of marriageable age and do not have any disqualification under the marriage Hindu Marriage Act, then the police authority shall take action in accordance with the law laid down by the Supreme Court in the case of Lata Singh versus State of Bihar versus so-and-so. Heard the learned counsel for the parties. The counsel for the petitioner has referred to the complaint sent by the petitioner on 17-9-2022 to Superintendent of Police Dathia and SHO Police Station Sevda District Dathia. In the said complaint, except making a bald statement that the father and other family members of the petitioner number one are extending threat, nothing has been, no specific instances have been given. Furthermore, according to the petitioner, the marriage was performed on 14-4-2022, whereas this complaint has been sent by registered post on 17-9-2022. That is after 5 months of the marriage. Thus, the date of commission of offense in any form was necessary, and a bald allegation cannot be made by the petitioner in order to make out a foundation for filing this petition and to get over the investigation which is going on in an offense under in a Gominsan report, be that whatever it may be. Since the police is already in session of the matter, therefore it is expected that the petitioner shall cooperate with the police and would put forward their case before the police system. Since the petitioners have not given any instances of commission of any threat in any form, therefore on the basis of the complaint sent to Superintendent of Police Dathia as well as SHO Police Station Sevda District Dathia, this court is finding it difficult to issue any instructions to the police authorities. Accordingly, it is directed that in case the petitioners are major and are of marriageable age and they have voluntarily performed their marriage and there was no performed their marriage in accordance with law, and if the petitioners point out any specific instances of threat or any offense in any form by any of the family members of the petitioner number one, then the respondent police authority shall take steps in accordance with the law laid down by the Supreme Court in the case of Lata Singh Supra. It is needless to mention here that the order passed by this court shall not have any bearing on the inquiry oblige investigation in any offense which might have been registered. Yes.